सोच हम फिर से आज एक अपडेट लेके। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आरसीए राज जो राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर MPUET ने अपनी जो 12th के नंबरों के आधार पर जो BSc एग्रीकल्चर होनर के लिए जो प्रवेश थे दोस्तों, उसने अपना रिजल्ट है वो दे दिया है, अपनी जो कट ऑफ है वो बता दी है। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट है वो पहले दे दिया है और उसका मैंने वीडियो पहले बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों जोधपुर का रिजल्ट है वो भी आ भी चुका है और उदयपुर का आज आ गया, और जो बाकी की दो यूनिवर्सिटी बच गई हैं उसका रिजल्ट कब आएगा उसमें उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से विजिट होकर वो देख सकते हो कि उसका रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों आप इनमें देख सकते हो जो आरसीए में प्रवेश जो स्टूडेंट है, जैसे कि पहला है प्रियंका, तो इनके फादर नेम हैं और ये फीमेल हैं, ओबीसी में हैं, ओबीसी फीमेल हैं, और इनके परसेंटेज थे जो 12th में थे वो 97.40 थे। और आप ये देख सकते हो दोस्तों जो ऊपर वाली है वो तीनों चारों लड़कियां हैं तो फीमेल हैं, और ये कैटेगरी आप देख सकते हो MBC है, ओबीसी है, EWS है, और 92.94 है, 96 है, और MUR में देख सकते हो दोस्तों जो कितने लोगों का इनमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये PDF स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो इनके जैसे सुरेंद्र कुमार हैं और हनुमान जी जाट, तो ये मेल थे DW में, और इनका जो 86.40 में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप ये आराम से जो मेरिट बेस्ड निकली है जो 12th के नंबरों के आधार पर BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो दोस्तों आप RCA की साइट पर जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि कोई भी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन हो या एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इन जो तीनों यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, दो का रिजल्ट है वो कब आएगा तो उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप चैनल पर विजिट होकर वो वीडियो भी देख सकते हो। धन्यवाद।